भजन भी कबीर साहब ने गुनगुनाया है और उसको इस शरीर पर उदाहरण दिया है। यह तन ठाट तमूरे का साधो, यह तन ठाट तमूरे का साधो, यह तन ठाट तमूरे का प्रीत तार मरो रात खूटी निक सतराग हजूरे का, यह तन ठाट तमूरे का साधो, यह तन ठाट तमूरे का। सांसों की उतार चढ़ाव पर बात करते हैं। टूट गया तार बिखर गई खूटी, टूट गया तार बिखर गई खूटी, हो गया धूरम धूरे का, यह तन ठाट तमूरे का, यह तन ठाट तमूरे का साधो, यह तन ठाट तमूरे का। यादें ही का गर्वन करना, गर्वन करना, गर्वन करना, क्योंकि गर्व आते ही जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। यादें ही का गर्वन करना, गर्वन करना, गर्वन करना, उड़ गया हंस, उड़ गया हंस तमूरे का, यह तन ठाट की बात करते हैं। आचरण पक्ष के पक्षधर हैं कबीर, बिना आचरण के कबीर को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी कुछ साथियों से बात हो रही थी तो उन लोगों ने कहा कबीर संशयवादी हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने कहा बहुआयामवादी हैं कबीर, और कबीर को समझना है तो पहले यह समझना है कबीर हम सबसे बुरे
कबीर हम सब से बुरे, हमसे भल सब को कबीर हम सब से बुरे, हमसे भल सब को सा करी जानिया, मीत हमारा सो इतने सा करी जानिया, मीत हमारा सो ज्यादा से ज्यादा। बुरा जो खोजन में चला, बुरा मिला ना को, जब दिल खो जाया बना, मुझसे बुरा को, क्योंकि हम अपनी के निकट हैं, यहाँ तक कि हमारे माता पिता गुरु पत्नी बच्चे सब हमसे दूर हैं, लेकिन हम हमसे कहाँ दूर हैं, आप अपने से कहाँ दूर हैं। इसलिए हर पण हर पल हर क्षण आप अपने को जानते हैं। तो ईमानदारी के तल पर खड़े होकर के यदि बोले तो आपका अंतरात्मा बोलेगा, बहुत सारी कमी तो अपने ही पास है और उसे सुधार करना यही कबीर साहब का सबसे बड़ा प्रयास है। तो वो कह रहे हैं वो मित्र हमारा हो जाएगा जो ऐसा करने लगेगा। जब आप हमारे मित्र बन जाएंगे, हम आपके मित्र बन जाएंगे, तो मित्रता बनने में क्या है, पर्दा खत्म हो जाती है आपकी। हम सब बात भली भांति जानते हैं, जानते नहीं भली भांति जानते हैं, और आप हमारे सब बात भली भांति जानेंगे, एक दूसरे को भली भांति जानेंगे। इसलिए कबीर को भी यदि भली भांति समझना है तो एक बात समझ लेना है कि जब कबीर हम सबसे बुरे हमसे भल सब कोए, जिन ऐसा कर जानिया कि मित्र हमारा सोए। तो आइए हम आदि व्याख्यान करते हुए कबीर ने कहा, उड़ गया हंस तमुरे का, ये जो हंस है तमुरे में बॉडी में शरीर में, आई एम सोल, सोल इज टूथ, टूथ इज गार्ड, हर्ट इज सीट ऑफ गार्ड, वो भगवान हृदय में बसते हैं आदि बातें हैं। तो जो है कबीर साहब बताना चाहते हैं अपने उस सत्य आत्म अनुभव का अनुभव होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा, जब व्यक्ति स्वयं में डूबने लगेगा। स्वयं में डूबना ही सच्चा अध्यात्म है, और बाहर जाना ही, बाहर की भी जरूरत है, जाने कुटुंब समाये साई इतना दीजिए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए, सबकी जरूरत है, लेकिन वही जितना उचित हो। और फिर जो है श्री कबीर हमारे साथी ने संबोधन में कहा कि हमारी यही इबादत यही पूजा है, सबसे पहले सलाम करना, तो वर्क करना है काम करना, और उसके बाद जो है यही सलाम। तो यही कबीर साहब बताते हैं हम अपना जो कार्य करते हैं बड़े भाव से करें, क्योंकि उड़ गया हंस तमूरे का, कि हंस उड़ जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, जो कुछ इसके द्वारा नेकी बदी जो ही याद किया जाएगा, क्योंकि संसार को तो कबीर ने मृत्यु के बोध पर बड़े अच्छे से कह दिया, मृत्यु के बोध के प्रति जगा दिया। साधो ए मुर्दों, साधो मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव, मुर्दों का गांव। हम जहाँ हैं ये भी अनुभव करना जरूरी है कि सच में मुर्दों का गांव है। आजा बाबा दादा माई सभी बारी बारी से चले ही जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, बस नेकी बदी नाम अनाम रहता है आदि आगे पद है। पीर मरे, बड़े बड़े गुरु मर गए, पैगंबर मरी गो, मरी गो
राजा मरी गो परजा मरी गो मरी गो रोगी। कितने राजा कितनी प्रजा सब समाप्त हो ए उर्दू का मरी है सूरज मरी है मरी है चौदह भुवन के चौधरी मरी है इन की क्या आशा ए मुर्दों का मुर्दों का गान मुर्दों का गान मुर्दों का गान नव भी मरी गो दस भी मरी गो मरी गो सहसा अठासी पैतीस कोटि के देवता मरी गो परी काल की फांसी ए मुर्दों का गाँव साधु ए मुर्दों का गाँव नाम है नाम रात है नित ही दूजा तत्व न कोई कही कबीर सुनो भाई साधु भटकी मरो मत कोई ए मुर्दों का गाँव साधु मुर्दों का गाँव मुर्दों का गाँव मुर्दों का गाँव आए सुझाएंगे राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बन चले जंजीर और हमारे डायरेक्टर साहब भी एक भजन आपने कहा है जिस वीराना है और होने चाहिए उसी भजन को करता हूँ वीराना है देश वास्तव में वीराना ही है हम जब तक रहते हैं तो अपना अपना मानते हैं और कहते हैं बड़ी पक्की रजिस्ट्री हो गई है लेकिन आप सच्चाई से सोचें तो जिस जमीन को कह रहे पक्की रजिस्ट्री हो गई है उसका रिकॉर्ड जाके देखें तो हजारों लोगों का नाम कटा है और फिर दूसरे का नाम चढ़ा है और आप कह रहे पक्का हो गया कहाँ पक्का हो गया सब धक्का खा खा के गए और आप कह रहे हैं पक्का हो गया आपका तो खुद नहीं पक्का है जमीन का क्या पक्का है अपने पारा नहीं जाए जब तक आपकी ड्यूटी है ड्यूटी इज ब्यूटी है वही सबसे सुंदर है अच्छा है समझ के कार्य करें लेकिन उसमें अहंकार न करें अहंकार ही जो है पतन की तरफ ले जाता है इसलिए विचार करें हमेशा अभी जो और भी तमाम पद हैं आखिर तन खाक मिलेगा कहाँ फिरे मगरूली में मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार हम लोग भी थोड़ा सा कहते हैं फकीर हो गए इस फकीरी को कबीर ने कहा तन को जोगी सब करे मन को करे न कोई आपके मन में भाव आ जाए तब आप फकीर हैं मन में भाव आया नहीं और अहंकार आ गया कि हम तो फकीर हो गए तो इसको भी कबीर ने फटकारा है ये ठीक नहीं है तन को योगी सब करे मन को करे न कोय मन सहजे सब सिद्धि पाइए जब मन योगी हो कभी कभी बात सुनते हैं आप लोग की फला तो मन से महात्मा है मन से साधु है मन से सन्यासी है तो मन का जो भाव दशा है आ जाए तो फिर क्या पूछना आए तो हम जो सर ने कहा है कि देश गिराना है उस भजन को प्रस्तुत करें
तो इतना कर ले जो तुम आया जगत में, तो इतना कर ले कर साईं की बंदगी, भूखे को कुछ दे कर साईं की बंदगी, भूखे को कुछ दे, भूखे को कुछ। बीजक में भी एक वचन है, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजे, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने खाए और को दीजे, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने खाए और को दीजे। और भी आप जानते हैं, वृक्ष कबहुं नहीं फल मके, न दिन संचे परमार्थ के दाने, शुरुआत होता है एक एक सीढ़ी शुरुआत होता है। जैसे पहले तो बहुत सही हमें जिज्ञासु बनना है, जिज्ञासु बनेंगे, श्रोता बनेंगे, तो एक पद आगे बढ़ता जाए, अच्छे श्रोता बन गए तो फिर वहीं से जानने की इच्छा शुरू हो जाएगी, ये कैसे वो कैसे, तो अच्छा श्रोता अच्छा जिज्ञासु बन जाएगा, अच्छा जिज्ञासु ही एक अच्छा साधक बन जाएगा, और अच्छा साधक ही एक अच्छा साधु बन जाएगा, और जो अच्छा साधु हो जाएगा वही एक अच्छा संत बनेगा, और जो अच्छा संत हो जाएगा वही एक अच्छा सतगुरु की श्रेणी में चला जाएगा। तो पहली क्लास में जब कमजोरी हो जाएगी कि अच्छा श्रोता न बने, तो फिर आगे जो प्रमोशन होगा वो गलत होता जाएगा, और आगे जा करके ही होगा, जंगल न होते तो शेर और मोर कहाँ छिपते, साधु न होते तो ठग चोर कहाँ छिपते। वैसे ठीक ये है कि चलिए कबीर तेरी झोपड़ी गलगटियों के पास, जो करेंगे वो भरेंगे, तुम क्यों भया उदास। हमें अपना काम सही करना चाहिए, आइए मूल पद पर आ जाए। देश वीराना ये देश वीराना, वीराना है देश वीराना, वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, संसार हाथ
का मेला, हाट का मेला जैसे बाजार लगता है शाम को और चार छह घंटे के बाद जाइए तो एक आदमी वहां नहीं मिलेगा। ये संसार हाट का मेला, ये संसार हाट का मेला, साज परे उठ जाना खाना है। इस मुसाफिर खाना में
सदगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश विराना है, रहना नहीं देश विराना, रहना नहीं देश विराना, देश विराना, देश विराना, विराना रहना नहीं देश विराना, रहना नहीं देश विराना है, ये देश विराना है। एक भजन और छोटा सा भोजपुरी लैंग्वेज का है, वो भी बैरागी छोटा सा है, शायद आप लोग भोजपुरी के आवाज को भी तो हम लोग समझते ही है, भली बात आछे दिन पाछे गए हरि से भयान है, अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई थे, इसलिए जो बचा है उन्हें से हम सचेत हो जाए, नाउ एंड हियर, अभी और यही, यदि ऐसा हो जाते हैं तो फिर हमारा जीवन सार्थक होने लगता है। मन पछताई है, मन पछताई है, बीत जाए समैया, बीत जाए समैया, बीत जाए समैया, बीत जाए, अरे मन पछताई है, समैया बीत जाए, मन पछताई है हो, मन पछताई है हो, समैया बीत नहीं तो
दर्शन कर लो भाई जी। माया नगर में बाला ठाकुर दक्षिणी भारत में लोग जाते हैं बाला ठाकुर जी का दर्शन करने। कबीर ने कहा जाना नहीं है, अंदर में ही उसको अनुभव करना है। बाहरी मंजिल चलने से मिलती है और भीतरी मंजिल ठहरने से मिलती है। बाहर जाना है बम्बई तो चलना पड़ेगा और भीतर जाना है तो ठहरना पड़ेगा। तो काया नगर में बाला ठाकुर दर्शन कर लो भाई जी, दर्शन कर लो भाई हे भाई, दर्शन कर लो भाई। काया नगर में बाला ठाकुर दर्शन कर लो भाई, करना हो तो अब ही कर लो, नहीं तो केवड़िया लगी जाई समैया बीत जाई। समैया बीत जाई हो, समैया बीत जाई, समैया बीत जाई, मन कुछ नहीं है, समैया बीत जाई।
जाई, समय बीत जाई, मन पाच नहीं है, समय बीत जाई, मन पाच नहीं है, समय बीत जाई। समय बीत जाए।